सर, जैसा कि वीडियो के टाइटल में आपने पढ़ लिया कि आज हम ओम्स लॉ को गलत प्रूफ करने वाला है, वो भी प्रैक्टिकल फॉर्म में, और क्यों गलत हो रहा है इसका भी प्रूफ हम देंगे। उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें बता देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। सो हम ओम्स लॉ पढ़ते आए हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि R इज इक्वल टू V बाई आई। सो यहाँ पे जो R होता है वो डिपेंड करता है हमारा कि जो हमारी मेटेलिक प्रॉपर्टी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया और मेटल की क्या लेंथ है, इन तीनों चीज पे डिपेंड करता है कि हमारे मेटल का रेजिस्टेंस क्या है। जो हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लिखा होता है R इक्वल टू वी बाई आर, नहीं वी इक्वल टू आई आर। सो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सेकंड फॉर्मूला यानी कि R इक्वल टू वी बाई आई, अगर इस फॉर्मूले से देखें तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है वोल्टेज और करंट। यहाँ पे एक चीज़ कॉन्स्टेंट है कि एक ही चीज़ दोनों चीज़ों पर डिपेंड कैसे कर सकती है, यानी कि करंट वोल्टेज भी और उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उस पर भी। सो हम इसी चीज को आज प्रूव करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो में आगे बढ़िए। अगर हमने पढ़ा है कि जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का वो होता है रो एल बाई ए, यानी कि रो इसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी है यानी रेजिस्टिविटी, ये इसकी लेंथ और ये इसका होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, इस पे डिपेंड करता है कि किसी भी बॉडी का रेजिस्टेंस जो है इन तीनों क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर, ये होता है हमारा ओम्स लॉ। बट अगर हम इसको निकालें, सो अगर हम इसके रेजिस्टेंस के पार्ट को इधर कर लें तो ये डिपेंड करता है V इज इक्वल टू आई, यानी कि अगर हम इन दोनों को चेंज करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। हाउ डज पॉसिबल कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो तो डिपेंड करता है इन चीज़ों पे। तो कोई भी क्वांटिटी दो चीज़ों पे डिपेंड नहीं कर सकती, पहले हमारा रेजिस्टेंस इस पे डिपेंड कर चुका है, अब ये इस पे डिपेंड नहीं कर सकता, बट फिर भी ये चेंज होगा। और किसी भी बॉडी का रेजिस्टेंस क्यों चेंज हो रहा है? सो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली इस चीज़ को। सो मेरे पास ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है, तो इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो 3.5 समथिंग है। सो मेरे पास जो बल्ब है ये एक वाट से भी कम का है, 0.112 करके समथिंग, बट ये एक वाट से भी कम का बल्ब है। ठीक, तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं चार्ट बना लेता हूँ कि कैसे कैसे मुझे अपनी बैटरी का वोल्टेज से रेजिस्टेंस को निकालना है। ठीक, यहाँ पे मैं रखूँगा अपना वोल्टेज, यहाँ पे रखूँगा करंट और यहाँ पे मैं रखूँगा अपना रेजिस्टेंस। तो जो मेरा पहला वोल्टेज था बैटरी का वो था 3.5 वोल्ट पे था। तो 3.5 वोल्ट पे जो मेरा बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, तो जो बल्ब है मेरा 3.5 वोल्ट पे ग्लो कर रहा है। ठीक, अब मैं इसकी करंट को निकालता हूँ, इसकी जो करंट है वो है 0.21 एम्पियर। अब मैं वोल्टेज को थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ, यानी कि अभी मैं 3.5 वोल्ट पे लगा रहा था, अब मैं वोल्टेज को थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ। सो मेरे पास 3.5 वोल्ट की और एक बैटरी है, तो अभी जो मेरी बैटरी का वोल्टेज है वो तकरीबन 7.13 वोल्ट, तो इसका जो वोल्टेज है 7.13। देख सकते हैं आप, ये ग्लो हो रहा है। ठीक, अब मैं इसकी करंट को निकालता हूँ, तो इसकी जो करंट आ रही है वो आ रही है 0.31 एम्पियर। तो अब मैं वोल्टेज को और इंक्रीज़ करने वाला हूँ, उसमें मैं अपनी एक 3.5 वोल्ट की बैटरी को और लगाने वाला हूँ उसमें, फिर देखता हूँ कि क्या चेंजेस आते हैं। सो अब मेरे पास तीन बैटरीज हो गई हैं 3.5 वोल्ट की, तीनों सीरीज़ में कनेक्ट हैं, तो इनका वोल्टेज अप्रॉक्स 10 वोल्ट्स के प्लस जाना चाहिए। और ये मेरा बल्ब है, तीनों को सीरीज़ में मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है। तो मेरी बैटरी का जो वोल्टेज है वो 10.80 के आसपास वोल्टेज है पूरा, जैसा देख सकते हैं आप 10 वोल्ट पे जो मेरा बल्ब है वो ग्लो हो रहा है। मैं इसकी करंट को निकालता हूँ, सो आप देख सकते हैं 0.39 एम्पियर्स करंट जो है इसमें से फ्लो हो रही है। अब मैं निकालता हूँ कि इसका जो रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करने वाला है कि करंट और वोल्टेज पे डिपेंड हो गया। अब मेरा जो रेजिस्टेंस है वो इस क्वांटिटी यानी कि रो एल और ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सो इस हिसाब से ओम्स लॉ फेल होता है। मैं आपको रेजिस्टेंस निकाल के बताता हूँ।
आएगा 3.5 डिवाइड बाई 0.21, तो मेरा रेजिस्टेंस आया 16.66 ओम्स, तो मेरा रेजिस्टेंस आया 16.66 ओम। सेकंड रेजिस्टेंस निकालता हूँ तो 7.13 एंड डिवाइड बाई 0.31, सो मेरा आया 23 ओम। अब मैं निकालता हूँ थर्ड क्वांटिटी का, यानी कि मेरा वोल्टेज वो है 10.78 डिवाइड बाई 0.39 जो मेरी करंट है, सो मेरा रेजिस्टेंस आया 27.64। सो अब आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे जो मेरा रेजिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है, फिर डिपेंड कर रहा है वो मेरे वोल्टेज और करंट पे, ना कि इन तीनों प्रॉपर्टी पे। इन तीनों प्रॉपर्टीज का मतलब ही नहीं कि जो मेरा बल्ब का मेटल है इस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, इसके जो अंदर टंगस्टन लगा है मेटल यानी कि उसका जो साइज़ है लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, ये मेरा टोटली डिपेंड हो गया इन तीनों चीज़ों पे। सो हाउ डज पॉसिबल, सो इसका आंसर मैं दूंगा लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो ये था आज का कमाल का वीडियो, इसमें जो चेंज आ रहा है उसको मैं प्रूफ करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और मैं वो भी प्रूफ कर दूंगा कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है। सो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।